मोदी जी, दोनों मुद्दों पर योगी जी को दो सीटों का प्रभारी बनाया और इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बीजेपी का वो सबके सामने है। क्या इनको बोलो मानक जी, इनको क्या, इनको ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता है ना हमको, इनको जनता ने बता ही दिया कि इनकी राजनीति की समझ कैसे है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दूंगा कि इनको क्यों सीरियसली लेना चाहिए। अभी सुप्रिया जी ने क्या बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, एक और फेक न्यूज़ इन्होंने फैलाई। देवेंद्र फडणवीस जी से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा तो उन्होंने बोला हमारे मुख्यमंत्री यहीं बैठे हैं, सिटिंग राइट हियर, जहाँ पे एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। तो इनका काम ही है सुबह से शाम तक सोशल मीडिया टेलीविजन पे फेक न्यूज फैलाना। एक और बार मैंने इनको फैक्ट चेक कर दिया, इसीलिए ये लोग की जमानत जब्त होती, इसीलिए नवनीत राणा आपकी गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया, अब गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। देखिए एक मिनट भी मैं नहीं बोलता, जब तथ्य बोले जाते तो इतनी बौखला जाती है क्योंकि इनका सुबह से दोपहर तक शाम तक काम होता है। फेक न्यूज फैलाए, भाजपा पे फेक न्यूज फैलाए, खुद की पार्टी पे फेक न्यूज फैलाए, आपको मैं पार्टी पे फेक न्यूज नहीं फैलाने दूंगा। बिल्कुल नहीं, नहीं आप जो बोल रही थी मैं नहीं बोल रहा था। मैं आपको आप मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैला सकती है। आप अपने नेता के बारे में झूठ फैलाइए, आपको टिकट चाहिए कांग्रेस से झूठ बोल के लीजिए, मेरे नेता के बारे में झूठ नहीं फैलाएंगे आप सुप्रिया जी ने जी। ना सुप्रिया जी, ये ट्रोल वाली हरकत, ये ट्रोल वाली बातें मत करिए प्लीज। आप प्रूफ करिए अगर बोला ऐसा है वरना आपको वापस देने पड़ेंगे। आप एक रिस्पॉन्सिबल टेलीविजन चैनल पे पढ़ के आते हैं नहीं आप, एक मिनट सुप्रिया, वन बाय एक एक करके दोनों को मौका दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है अभी मेरे पास। प्रदीप अपनी बात पूरी करें। मानक जी, मैं पहले ही बता रहा था कि इन्होंने हमारे नेता के बारे में झूठ बोला। देवेंद्र फडणवीस जी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन रहेगा, उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर सिटिंग राइट हियर, क्योंकि बाजू में एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। इन्होंने नेशनल टेलीविजन पे 100वीं बार झूठ बोला कि देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आप देखिए जम्मू कश्मीर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को खुश होना है, होने दीजिए। हम जम्मू कश्मीर में हमारा वोट शेयर जो है सबसे ज्यादा है, एनसी से भी ज्यादा है, परंतु हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास रखते हैं। हरियाणा में भी बीजेपी कांग्रेस का आपके टक्कर का जीते वो आप वोट शेयर पे आएंगे तो हरियाणा में बाजी बराबरी पर 11% बढ़ा है। नहीं, देखिए मानक जी, मैं उनके जैसी शॉर्ट टर्म या बिल्कुल हल्की पॉलिटिकल बात नहीं कहता। मैं कह रहा हूं एनसी जीती है, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उमर अब्दुल्ला जी को कांग्रेचुलेट किया, परंतु मैं आपको जस्ट बता रहा हूं हमारा ग्राफ बड़ा है। आज नहीं तो कल हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम किसी भी स्टेट पे जम्मू कश्मीर के अंदर हम ट्राई करेंगे, वैली के अंदर हमारी कई अगले चुनाव में बनाएंगे, अगले चुनाव में बनाएंगे, आप घबराइए मत। हम लोकतांत्रिक रूप से हर काम करेंगे। सुप्रिया बोलिए, अब मैं एक बार बात, एक और बात कंप्लीट कर लूं जल्दी से। देखिए उत्तर सुप्रिया सिन्हा जी या कांग्रेस पार्टी या किसी की भी भारतीय जनता पार्टी की समझ कितनी सिंपल है मैं आपको बताता हूं। उनको समझ नहीं आता पॉलिटिक्स क्या होती है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ऑब्जर्वर बने हरियाणा के, इसके पहली बार आपने कभी देखा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी किसी स्टेट के ऑब्जर्वर नहीं, हर जगह कहा कि पहली बार गृहमंत्री जी को बनाया, कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। क्या हुआ? नायब सिंह सैनी जी को बनाया। हमारी पार्टी में हर व्यक्ति कार्य करता है, भले वो प्रधानमंत्री हो, पार्टी प्रेसिडेंट हो, होम मिनिस्टर हो, छोटा सा कार्यकर्ता हो। इनकी पार्टी परिवारवादी पार्टी, राजशाही पार्टी, ये नहीं समझता। ओके सुप्रिया, सुप्रिया इसीलिए इनको नहीं समझता। सुप्रिया बोलिए। नहीं, ये तो योगी जी के दिल से ही पूछेगा कि 403 लोगों की विधानसभा में दो सीटों के इंचार्ज बने कितना। इनको योगी जी के दिल का बड़ा पता है, ये बड़ा बताएंगी, ये बड़ा बताएंगी, मुझे नहीं बता। नहीं, आप बड़ा बताएंगी, आप बड़ा बताएंगी। हाँ, अब मैं बोलूं वन बाय वन। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, बोल लो, तुम बोल लो पहले, भौंको तो फिर मैं बोलूंगी, आप बोल लो पहले। अरे सुप्रिया जी, अपने संस्कार ट्रोल वाले मत बात करिए, नेशनल टीवी पे ट्रोल नहीं है आप, इससे आपको एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलेंगे, थोड़ी भाषा का संयम रखिए। Let's not make it personal. सुप्रिया बोलिए, समझाइए थोड़ा भाषा का संयम रखिए, ट्रोल जैसी बातें कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुआ कश्मीर में जहां पर बड़ी बड़ी डींगे हांकते थे, ये अनंतनाग राजौरी से, बारामूला से, श्रीनगर से दुम दबाकर भाग गए, चुनाव तो लड़ नहीं पाइए, आधी जगहों पर कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाई। ये बात कर रहे हैं राज्य में चुनाव सरकार बनाने की। अरे थोड़ी शर्म रखिए और माफी मांगिए जम्मू कश्मीर की जनता से। आजाद भारत में पहली बार आपने किसी से राज्य का दर्जा छीनकर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया है, और अगर दम है तो जरूर नरेंद्र मोदी जी को अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। रिस्पॉन्स उसके बाद सुनील साजन को भी मुझे मौका देना। जम्मू कश्मीर का प्रदीप, पूर्ण राज्य का दर्जा कब वापस आएगा? एलजी ने भी कहा, पर इनसे समझिए, इनको यह भी नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी है, कांग्रेस पार्टी से दुगनी सीट पे हम लड़ी, और हमको बता रही है ये तो 30 सीट पे चुनाव लड़े, हम तो 60 सीट पे चुनाव लड़े, एनसी से भी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। और हां, आर्टिकल 370 हमने रिमूव किया, क्योंकि इसके चलते में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का एजेंडा चला रही थी, समझे आप? राष्ट्रीय सुनील साजन, सुनील बोलिए क्या कह रहे हैं। सुनील
देखिए मानक जी, मैं सबको सुनाऊं, प्रदीप जी को सुना। देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक तो तारीफ मैं करूंगा कि गणित इन लोगों का बहुत अच्छा है। कौन कितनी बार झूठ बोला है इनको मालूम है, प्रधानमंत्री जी को मालूम है, कितने हजार बार उनको गाली दी गई है। केवल गणित इनका एक जगह फेल हो जाता है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, इन पर। आपने इनसे शुरुआती दौर में कहा जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं। जब इनसे पूछो चंदा चोरी तो कहेंगे जय श्री राम, इनसे पूछो जमीन घोटाला जय श्री राम, महंगाई जय श्री राम, बेरोजगारी जय श्री राम। तो ये अपने सारे मतलब कुकर्म, पाप, भ्रष्टाचार, झूठ, जुमला छिपाने के लिए भगवान का राम नाम लेते हैं। भगवान राम ने भी अब की तय कर लिया उनका जय इंडिया। हाँ बोलिए प्रदीप जल्दी। साजन भाई, साजन भाई, जवाब। आप मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं पर मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर जमीन घोटाले की बात मत करिए। कर्नाटक तक बात चला जाएगी जहां पे उनके मुख्यमंत्री ने जमीन घोटाला किया, खरगे जी ने वक्फ का लैंड का जमीन घोटाला किया, घोटालेबाज आपके अलायंस पार्टनर है, उनसे समझ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके घर में भी कांग्रेस पार्टी कब्जा कर ले। आपने खरगे जी की बात की, सुप्रिया को मुझे मौका देना पड़ेगा। सुप्रिया बोलिए, खरगे जी पर आरोप है, मुझे बोलना पड़ेगा। चंदा, पूरे देश ने चंदा दिया, हम सब ने चंदा दिया, मैंने भी चंदा दिया भगवान राम के मंदिर के लिए। वहां पर मंदिर के नाम पर धांधली करी गई, सस्ती कौड़ियों के नाम जमीन बेच बेच कर बड़े बड़े दामों पर खरीदी गई। भगवान राम के नाम पर जिसने घोटाला किया उसको भगवान राम ने 70 साल तक मंदिर नहीं बना पाए, वो प्रभु श्री राम की बात करेंगे। अगर आपको लगता है जाइए कोर्ट, आप तो मंदिर तक नहीं जा पाए अभी तक, और आपको मंदिर जो है वो वहाँ पे छेड़छाड़ के स्थान दिखते थे। प्रभु श्री राम का अपमान नहीं सहा जाएगा, आपके वकील थे कपिल सिब्बल। ऑलराइट, ओके, टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। गर्मा गर्म बहस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ।